भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 93,337 नए मामले सामने आए और 1,247 लोगों की मौत हुई। देश में कोविड पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 53,08,015 है, जिसमें 10,13,964 सक्रिय मामले और 42,08,432 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 85,619 लोगों की मौत हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा, भारत कोरोना वायरस से ठीक होने वाले मामलों में यूएसए से आगे निकलकर विश्व में पहले पायदान पर पहुंच चुका है। कुल रिकवरी 42 लाख के पार हुई। जम्मू के राजौरी जिले से सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने लश्करे तोयबा के 3 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने कहा, बिहार में फर्क साफ है। जब 2005-06 में हम बिहार में सत्ता में आए थे, तब बजट 22,000 करोड़ था और आज बजट बढ़कर 2,11,000 करोड़ हो गया है। पंजाब के अमृतसर में किसानों ने कृषि विधेयकों के खिलाफ काले झंडे लेकर विरोध प्रदर्शन किया। राजस्थान में कोविड-19 मरीजों से मिल सकेंगे परिजन, भोजन भी उपलब्ध करा सकेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश में बेरोजगार युवाओं की समस्याओं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने अलकायदा के जिन 9 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है, उनमें से पश्चिम बंगाल से लेउईन अहमद और अबू सुफियान, केरल के मुशर्रफ हुसैन और मुर्शीद हसन शामिल हैं। राजस्थान के अलवर जिले में कथित तौर पर एक महिला से 6 लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया, पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से मुलाकात की। अलीगढ़ में पुलिस की कार्रवाई, सिया खास के जंगलों में देर रात हुई मुठभेड़ में 25,000 रुपए का इनामी बदमाश पकड़ा गया, पुलिस को आरोपी की लंबे समय से तलाश थी। कन्नौज में पुलिसकर्मी ने की दिव्यांग से बदसुलूकी, घसीट कर ले गया चौकी, हुआ निलंबित। राजधानी लखनऊ के इंदिरा नगर इलाके में स्थित एक मकान में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, संचालक समेत 5 युवक युवतियां गिरफ्तार। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे चैनल अलाइव 24 न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।